हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप एवरीवन इज फाइन देयर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ वर्क। यही टॉपिक हमने लास्ट क्लास में भी किया था और कुछ जो रिमेनिंग पोर्शन इस टॉपिक का वो हम आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने टाइप्स ऑफ वर्क किया था उसमें हमारा था व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, मींस कि वर्क डन क्या होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट वे में फोर्स एक्ट ना हो के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब फोर्स अप्लाई होता है। मींस जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यहां से इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। मींस कि एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं हो रहा जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है। दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनके बीच में एक एंगल अप्लाई हो रहा है। क्लियर? टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है? देखो जी, सपोज करो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां से हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो एंगल बनता है किस किस के बीच में, सपोज करो यहां से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई है और यहां पर मोशन चल रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है बेटा? ये एंगल बन रहा है यहां पर थीटा 180 डिग्री। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं यहां पर W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू में डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन से जब कोई चीज अप्लाई होती है तो थीटा कितने डिग्री का हो गया यहां पर 180, देन W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम 180 इंटू में एस। अब बात करते हैं कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। पुट करो इसको यहां पर W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा की जगह पर -1 इंटू एस, सो W इज इक्वल टू -F इंटू एस। हेयर द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, मींस जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कहां से हो रहा है? वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव वर्क डन। ध्यान से समझना कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, भाई आप साइकिल पे जा रहे हैं पेडलिंग करते हुए और आपका जो फ्रेंड है वो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो साइकिल की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। भाई जिस डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो रहा है यहां पर 180 डिग्री का। सो इन दिस कंडीशन द वर्क डन इज अ नेगेटिव वर्क डन बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? अब अगर हमारे से पूछा जाए कि भाई जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस फैक्टर के ऊपर वो अप्लाई करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर वर्क डन डिपेंड है, तो मैं यहां पर तीन फैक्टर लिख रहा हूं। देखिए पहला फैक्टर अगर हम यहां पर लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि जितने मैग्नीट्यूड का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतने ही क्या लगेगा वहां, उसने ही क्या होगा उसमें वर्क डन होगा। मींस जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा। जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही कम क्या होगा? वर्क डन होगा। तो इसलिए किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फोर्स कौन सा? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सेकंड वन, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा। द डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्टेड, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्क, उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, कोसाइन ऑफ एंगल, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में कितना एंगल लग रहा है। जैसे आपको एक फॉर्मूला लिखा था मैंने यहां पर, W इज इक्वल टू में एफ कोस थीटा इंटू में एस, तो डिपेंड्स ऑन द कोस थीटा। पहला फैक्टर आ गया फोर्स, सेकंड फैक्टर डिस्प्लेसमेंट, थर्ड फैक्टर इज कोस थीटा, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर हम कितना एंगल अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, उस पर भी हमारा वर्क डन डिपेंड करता है। समझ में आया। इसके बाद हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क डन बेसिकली। फर्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क डन, पहला क्या ले रहे हैं हम यहां पर पॉजिटिव वर्क डन। क्या मतलब होता है पॉजिटिव वर्क डन का, कि जब भी कोई फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, सपोज करो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो भी कहां लगा रहा हूं, इसी डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। तो क्या बोलेंगे बच्चे उस वर्क डन को, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जितना एंगल जो दोनों के बीच में बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यहां थीटा कितना आ रहा है बेटा 0 डिग्री, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन। तो अगर मैं पुट करके देखता हूं यहां पर, W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू में एस, और W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा की वैल्यू कितनी देती 0 इंटू में एस। अब याद रखना कोस 0 डिग्री हमेशा कितना होता है 1, सो W इज इक्वल टू इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे एफ इंटू 1 इंटू में एस, तो W इज इक्वल टू में एफ इंटू एस, कि जब जो फोर्स है अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और जो एंगल है दोनों के बीच में किस किस के बीच में फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन, या डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स कितना हो गया जी थीटा, मतलब 0 डिग्री पर फोर्स लग रहा है। तो इन दिस सिचुएशन कोस 0 इज 1 एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैक्सिमम वर्क डन। ये क्या है जी, इस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन। तो आप याद रखना अगर थीटा की जो वैल्यू है बेटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मींस एक्यूट एंगल पर अगर हमारा थीटा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा वर्क डन होगा हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क डन। थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, then work done should be always equal to positive work done और maximum work done होगा अगर angle कितना दे रखा है यहाँ पर 0 degree। इसी situation के अंदर अब मैं इसका दूसरा देखो, इसका example बताएं हम, वही cycle वाला example ले सकते हैं आप भाई। अगर suppose करो कोई भी cycle चल रही है, आप पीछे से force लगा रहे हो, तो एक तरह से आप उसको push कर रहे हो चलती cycle को, cycle इस direction में चल रही है, इस डायरेक्शन में साइकिल मूव कर रही है, और आप यहां से ही क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो साइकिल की स्पीड जब इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारा वर्क डन है वो कैसा हो रहा है बच्चे, वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है जी। अब इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें, मींस आप ये भी कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। मींस आप एक बैग है आपके पास, आप एक बैग को नीचे से ऊपर उठा रहे हो, तो आप उस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। बट अगर हम यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल ले, कंसेप्ट ले, भाई जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर मूव कर रहा है, ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर्क डन आएगा वो कितना होगा, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है कहां से लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन से। वो अभी हम आते हैं उस कंसेप्ट पे कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। ये समझ में आया, सेकंड वन इज नेगेटिव
वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट, व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मींस ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस से अंतर, और इस डायरेक्शन से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो मैंने आपको जैसा बताया था एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा जी, 180. और 180 का वर्क डन क्या बताया था मैंने आपको, नेगेटिव वर्क डन. तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जो नेगेटिव वर्क डन होता है इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है. पॉजिटिव वर्क डन में क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. और नेगेटिव वर्क डन में क्या होगी, ये डिक्रीज होगी. और नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है जी, आपने एकदम से ब्रेक लगाए, तो जो ब्रेक लग रहे गाड़ी की स्पीड क्या हो रही, डिक्रीज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, टायर ऐसे घूम रहे, ब्रेक ऐसे लग रहे, उसको रजिस्ट कर रहे. तो वर्क डन क्या हो गया वहां पर, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड जो है वो रिटार्ड हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन की जगह क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. थर्ड केस इसका लेते हैं हम, जीरो वर्क डन. थर्ड केस क्या आता है इसका, जीरो वर्क डन. मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लास्ट क्लास जो थी हमारी, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स कैसे लगा रहे हैं जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. मींस फोर्स कितने डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर. तो जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो वर्क डन. और एक चीज, हाँ सॉरी, जो नेगेटिव वर्क डन मैंने आपको बताया है तो उसका याद रखना, जो अगर हमारा थीटा 90 से क्या हो, बड़ा हो, और 180 से क्या हो, छोटा, मींस ऑब्ट्यूस एंगल अगर हमारे पास होगा किस किस के बीच में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो वर्क डन होगा हमेशा कैसा होगा जी, नेगेटिव वर्क डन. अगर एंगल 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा. अगर एंगल 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो वर्क डन. चाहे कितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो, कितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो, कितना भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, नीचे जो ऑब्जेक्ट है, बट हमारा वर्क डन हमेशा क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, वर्क डन शुड ऑलवेज बी जीरो जूल. ऑलवेज कंडीशन, फोर्स शुड बी एट परपेंडिकुलरली और राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझ में आया, जैसे कोई भी कुल्ली है वो सामान लेके जा रहा है, तो उसने सामान सर पर रख रखा है, जो उसका वेट है वो एक्टिंग डाउनवर्ड है, एक तरह से फोर्स का काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है, मींस वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन. कोई भी है, सैटेलाइट्स है या प्लैनेट्स है, जब भी वो सर्कुलर पाथ में मूव करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है उसमें, तो वर्क डन इज जीरो, क्योंकि 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है. समझ में आया, तो याद रखना जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव वर्क डन हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है. और जीरो वर्क डन का ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, कंफ्यूज मत हो इसमें. एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंसिस में ट्रेवल कर रहा है, मैं पीछे से फोर्स लगा रहा हूं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज. ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कर रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज. इसमें स्पीड इंक्रीज, इसमें डिक्रीज. और ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर समान लग रखा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, तो स्पीड पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड, ठीक है जी. अब मैं आपको इस एंगल बेस्ड क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं, अनसोल्ड न्यूमेरिकल या एग्जांपल्स के सोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोग अपनी बुक्स में से खुद कर सकते हैं. देखिए इधर, अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ध्यान से समझना इसको, अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ टॉय कार एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. मींस एक टॉय कार है हमारे पास, ठीक है जी, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने डिग्री पर लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का. विद अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर. ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2.5 मीटर का, ऊपर से हम इसको खींच रहे हैं, इधर टॉय कार चल रही है, 2.5
5 मीटर का अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है और क्या बताना है कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यू गिवन होती है वो हमें नोट करनी पड़ती है पहले. तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है बेटा कितने न्यूटन का लग रहा है? 12 न्यूटन का. डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे यहां? 2.5 मीटर. एंगल कितना है जी यहां पर? 60 डिग्री. किस किस के बीच में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. देन यूजिंग द फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू में एस. डब्ल्यू एस टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी आपको? 12. कोस थीटा मींस कोस 60 डिग्री और ये दे रखा है 2.5. अब याद रखना आप हमेशा कोस 60 डिग्री हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चे? 1/2. ये वैल्यू फिक्स होती है टेबल के अंदर. जैसे कोस 0 1 है, कोस 180 माइनस 1 है, ऐसे कोस 60 कितना होता है? 1/2. कोस 45 1/√2. तो मैं इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं. W इज इक्वल टू 12 एस डी कोस 60 की जगह पर क्या पुट करेंगे? 1/2 इंटू में 2.5. 2 6 12. वर्क डन कितना? 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15 जूल. कितना वर्क डन आया हमारा? 15 जूल. इज इट क्लियर? अब इस कंडीशन के अंदर अगर हमारे से ये पूछा जाए कि भाई जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कैसा साइन आ रहा है? पॉजिटिव. तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो कैसा है बच्चे? पॉजिटिव वर्क डन. देखिए जो एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं और उन एग्जांपल्स को देख के आपसे टाइप्स ऑफ वर्क पूछे जाते हैं कि इसमें कौन से टाइप का वर्क हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है. अगर आपसे सिंपली ये कहा जाए कि आप कंडीशंस बताइए, राइट द कंडीशन इन विच नो वर्क इज डन, तो आप क्या बताओगे? पहली कंडीशन आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट होगा देन नो वर्क इज डन. व्हेन द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन नो वर्क इज डन. सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं हो रहा, डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कोई ट्रेवल नहीं कर रहा, इन दिस कंडीशन ऑल्सो द वर्क डन शुड बी जीरो. क्लियर? तो यहां हमारा वर्क का जितना भी कंसेप्ट है ये क्लियर होता है. आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज दूंगा बेटा. वीडियो कोई नहीं आएगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, आपको एक्सरसाइज दी जाएगी न्यूमेरिकल बेस्ड और आपको वो कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. जिस भी बच्चे को डाउट हो वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास में. ठीक है जी? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ.